उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। सीएम योगी ने इसके लिए हज पर जाने वाले हाजियों का उदाहरण भी दिया और कहा कि भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं को हिंदू ही कहा जाता है। उधर बागेश्वर धाम में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 दिन का यज्ञ किया जा रहा है। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। महंत धीरेन्द्र ने तो आज तक से बातचीत में यह भी दावा कर दिया है कि बहुत जल्द संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से भारत में हिंदू बनाम इस्लाम की एक धार्मिक बहस भी चल रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी ने दावा किया था कि भारत का सबसे प्राचीनतम मजहब इस्लाम है। अब असदुद्दीन ओवैसी भी वही कह रहे हैं, जबकि संघ से लेकर बीजेपी तक, नेता सांसदों से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार ये कह चुके हैं कि भारत संस्कृति के आधार पर पहले से हिंदू राष्ट्र ही है, उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने जैसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात वोट के लिए की जा रही सियासत है, या क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले लोग संविधान की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। संघ कहता है हिंदू राष्ट्र, पार्टी कहती है हिंदू राष्ट्र, नेता कहते हैं हिंदू राष्ट्र, सीएम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, और बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बस बनने ही वाला है। वहीं राजपीठ से भी सब आकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों में विराजमान होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर सब अग्रसर हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के महंत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की न सिर्फ मांग कर रहे हैं, बल्कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ बागेश्वर धाम में यज्ञ भी करने लगे। यज्ञ स्थल पर चारों ओर पोस्टर भी लगा दिए गए। कहा कि क्रांति आने वाली है, संसद में कुछ होने वाला है। बहुत मुफीद समय आपको लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र के लिए तरफ बहुत तेजी से बढ़ गया, और खासतौर से इस अनुष्ठान के बाद और ये जो संकल्प आपने लिया उसके बाद से पूरे देश में एक तरीके से इस पर क्रांति आ रही है। बहुत जल्दी ये क्रांति किससे संसद में कुछ होने वाला है। क्या संसद से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा? इस सवाल का जवाब महंत धीरेन्द्र शास्त्री ही दे सकते हैं, लेकिन 15 फरवरी को बागेश्वर धाम में मौजूद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना पर क्या कहा वो सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, किस तरीके से? अच्छा विचार है। और इसी विचार पर आगे बढ़ते हुए हिंदू राष्ट्र की आशंका से धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में जो 7 दिनों का यज्ञ शुरू किया है उसमें राजनेताओं के दौरे भी शुरू हो गए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां हाजिरी लगा कर गए। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बागेश्वर धाम दौरे की घोषणा की जा चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के साथ साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी हाजिरी लगा चुके हैं। आज बागेश्वर धाम की धरती फिर से छूने आया हूं। ओ सन्यासी बाबा के, सन्यासी बाबा के धाम में उनका होने आया हूं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में किए जा रहे हर प्रयास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने एक दिन पहले भारत में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग की थी। धीरेन्द्र शास्त्री उस मांग के भी साथ। आपके सनातन धर्म की जब बात आती है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कहनी, अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो भारत में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। आप अच्छी मांग है, बहुत अच्छी मांग है, आई सपोर्ट। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की सौगंध जब से खाई है तब से भारत में इस विषय पर सियासत गर्म होने लगी। पिछले दिनों जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि इस्लाम ही भारत का सबसे पुराना धर्म है। मौलाना अरशद मदनी के उसी दावे को असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से दोहराया है। ये सरजमीन हमारे बाबा आदम यहीं पर आए थे, कई सालों से बोल रहा हूँ, अपना टेलीकास्ट भी किए थे उसे। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिनकी तारीख उंगलियों पर गिनी जा सकती है वो सनातन पर सवाल खड़ा करता है तो सूरज को दिया दिखाता है। सीएम योगी ने खुलेआम कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर भारत संविधान के हिसाब से लोकतांत्रिक राष्ट्र और संस्कृति के हिसाब से पहले से हिंदू राष्ट्र है तो फिर बागेश्वर धाम वाले महंत धीरेन्द्र शास्त्री भारत को और क्या बनाना चाहते हैं?
बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश से लोकेश चौरसिया और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।